तो बोट से उतर आए हैं, अलदार आइलैंड पहुंच गए हैं। तो दिखाते हैं आपको सामने अलदार की एंट्रेंस। तो ये है रेस्टोरेंट्स का एरिया, बैठने की प्लेसेस है, चेयर्स टेबल वगैरह सब यहाँ पे पड़ी हैं। फूड कोर्ट और कोल्ड स्टोर वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं। तो दिखाते हैं यहाँ का कुछ सीन आपको। तो जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनकी यहाँ पे कुछ डिटेल लिखी हुई है, क्या क्या है यहाँ पर। रेस्टोरेंट्स, किड जोन, ट्रिप्स, बार, बिग टेंट पैकेजेस, बीच हट्स, चैलेट्स। Enjoying Bahrain and everyone, come here as an island. Okay, yo. Thank you very much. Thank you. How do you feel the other island? Can you tell me? Come on.
Come on, everybody, can visit one time Andar Island. Awesome. जेट स्काई जिसको वाटर स्कूटर भी बोलते हैं, रेडी कर रहे हैं रेंट पे देने के लिए। आइलैंड के एक दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर एक ये कुछ बच्चों के खेलने की जगह नज़र आ रही है, तो बाउंड्री बनाई हुई है इन्होंने और थोड़े से झूले लगाए हुए छोटे से। और ये आगे जो साइड नज़र आ रही है इसमें हट्स चैलेट्स नज़र आ रहे हैं जो कि रेंट पर मिलेंगे, और जो लोग ज़्यादा घंटे के लिए यहाँ पर रुकना चाहते हैं या पूरी रात यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो उनके लिए ये हट्स हैं। पूरी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सारा कुछ इंतज़ाम नज़र आ रहा है वहाँ पे, और नंबर्स भी लगे हुए हैं उन पर। तो देखें आगे तक, देखते हैं कि कहां तक जाती हैं ये हट्स और चैलेट्स, और अलदार आइलैंड कितना बड़ा है। तो आगे की तरफ हम जा रहे हैं तो घुमाते हैं दूसरी साइड में आपको भी। डजन्स हंड्रेड्स चैलेट्स नज़र आ रही हैं यहाँ पे, और काफ़ी जगह है, काफ़ी जगह इन्होंने बनाई हुई है। ये एक अलदार आइलैंड के दरमियान में एक ये रेस्टोरेंट टाइप जगह बनी हुई है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है और साइज़ में सबसे बड़ी है। तो देखते हैं इसको आगे। तो गाइस ये पीछे प्राइवेट चैलेट्स हैं और ओनली गेस्ट के लिए हैं जिन्होंने इसकी पेमेंट वगैरह बुकिंग वगैरह सब की हुई है। तो इसको दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। तो ये प्राइवेट चैलेट्स पूरी घर की होटल की तरह बनी हुई हैं, काफ़ी मज़बूत पायदार इलेक्ट्रिसिटी सब चीज़। और इसके साथ ही इन्होंने यहाँ पे प्रेयर रूम है फॉर मेन, और साथ में मेल फीमेल वॉशरूम्स पूरे।
काफ़ी वॉकिंग करके इस अलदार आइलैंड बहरीन के दूसरे हिस्से की साइड पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी हट्स और चैलेट्स नज़र आ रही हैं और कुछ साइड में जेट्स का ही दौड़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो देखें यहाँ पर थोड़ी सी चैलेट्स की तरतीब। चैलेट्स हट्स देखने में ऐसी नज़र आती हैं, तो इनके काफ़ी नज़दीक से हम गुजर रहे हैं। तो इन हट्स और चैलेट्स के अंदर का कुछ इस तरह से है, तो पूरा सफाई वगैरह करके ये रेडी करके देते हैं। वैसे तो हवा सारा दिन चलती है तो फिर थोड़ी सी गर्दो गुबार आ जाती है, लेकिन बेसिकली इस तरह से ये इसको तैयार करके देते हैं। तो इसका एक हिस्सा समुंदर के बिल्कुल सामने पानी की साइड पे रहता है, बीच साइड पे। चलते हैं आगे की तरफ, रिसेप्शन एरिया की तरफ फिर दोबारा, और वहाँ से देखते हैं कुछ इजी फील करके चेंजेस वगैरह करके तो कुछ सी बीच वगैरह पे थोड़ा सा पानी वगैरह का थोड़ा सा नज़ारा करते हैं। तो छोटे बच्चों और एल्डर्स को छोड़ने के लिए ये ई कार भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये भी यहाँ की एक बैठने की जगह है शीशा शॉप के साथ, तो यहाँ पर शीशा वगैरह पी सकते हैं और कुछ खाना वगैरह भी खाया जा सकता है। और ये यहाँ एक थोड़ी सी वसी जगह है और बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, एक चक्कर यहाँ का लगाते हैं। तो कुछ कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, थोड़ा सा इजी फील करते हैं, फिर बाद में खाना वगैरह भी खाना है और थोड़ा सा समुंदर में साइड में थोड़ा सा नहाएंगे, थोड़ा सा पानी का नज़ारा करेंगे, तो थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। तो चेंज वगैरह करके कुछ खुले से कपड़े पहन के इजी फील करके अब हम फिर दोबारा आ गए हैं बाहर। और यहाँ पर एक शॉप है जहाँ पर कुछ चीज़ें, कुछ कपड़े, कुछ जैकेट्स वगैरह सेल हो रही हैं। देखते हैं क्या है यहाँ पर।
इसमें शॉप के अंदर बच्चों के कुछ खिलौने, कुछ स्विमिंग ड्रेसेस वगैरह, और साथ में कोल्ड स्टोर था जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह चीज़ें अवेलेबल थी। तो दिन ख़त्म हो चुका है और शाम हो गई है, अंधेरा छा रहा है, काफ़ी हद तक अंधेरा हो गया है, लोग अभी भी कुछ आ रहे हैं। तो ये जो लोग आए हैं शायद रात यहाँ पर रहेंगे, मेरा नहीं ख्याल ये वापस कुछ जाएंगे, अभी भी कुछ इंडियन फैमिलीज गई हैं और मौसम बहुत अच्छा हो गया है, लोग जेट्स का यहाँ दौड़ा रहे हैं, फीमेल्स और फैमिलीज और बैचलर्स सब नज़र आ रहे हैं डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के। शाम हो गई है, काफ़ी हद तक अंधेरा छा गया है, लाइट्स ऑन हो गई हैं, मौसम बहुत खुशगवार है। और ये अलदार आइलैंड बहुत बड़ा जजीरा नहीं है, लेकिन फिर भी हज़ारों लोगों के गैदरिंग के लिए जगह है, सैकड़ों यहाँ पर चैलेट्स और हट्स बनी हुई हैं, कुछ घंटे के लिए भी और पूरी रात गुजारने के लिए भी होटल्स वगैरह की तरह, और आगे परमानेंट चैलेट्स भी बनी हुई हैं होटल के रूम्स के जैसी। तो बहुत मज़ेदार रहा सफ़र बोट का भी, बोट ने हमें सितरा फिशरमैन पोर्ट से 10 मिनट में इस अलदार आइलैंड में पहुंचा दिया, और मौसम बहुत खुशगवार था, हम लोग 10 लोग बैठे थे बोट में लाइफ जैकेट्स पहन के, और आनन फानन हम पहुंच गए यहाँ पर। तो मेरे को व्लॉगर आसिम भाई फ्रॉम बांग्लादेश, वो भी अपना व्लॉग बना रहे हैं और मौसम और लोकेशन को एंजॉय कर रहे हैं इस अलदार आइलैंड के आज के हमारे ट्रिप को। बहुत खुशगवार मौसम है, बहुत मज़ेदार, और क्या बात है। तो यहाँ पर कायक नज़र आ रही हैं समुद्र में पानी में घूमने के लिए। पैडल बोट्स हैं ये, पैडल वगैरह लगे हुए हैं दो अफराद के बैठने के लिए। तो अंधेरा छा गया है काफ़ी सारा, और अभी हम इस अलदार आइलैंड के इस हिस्से में हैं जहाँ पे ये लेटने वाली चेयर्स बनी हुई हैं। पहले तो ये फुल थी, यहाँ पर लोग सारे बैठे थे, लेटे हुए थे, और अभी कुछ खाली हुई हैं, तो थोड़ा सा इनको भी देखते हैं। तो इस वक्त हम हैं अलदार आइलैंड किंगडम ऑफ बहरीन में, और ये यहाँ पर शाम ढलने के बाद रात शुरू होते का एक नज़ारा है। तो आपको अलदार आइलैंड का एक शॉर्ट व्यू दिखाते हैं।
तो अलदार आइलैंड पर अब घूमते घूमते शाम के वक्त, रात के वक्त अब आ गया है डिनर का टाइम, तो चलते हैं यहाँ के एक रेस्टोरेंट की तरफ, जैक एंड जोस। तो दो दिनार का जो कूपन हमें मिला था 8 दिनार की टिकट के साथ, वो दे के उसका वेजिटेबल फ्राइड राइस ले रहे हैं। तो इसके अंदर भी बैठने की जगह है, देखते हैं, दिखाते हैं अंदर से। तो अलदार आइलैंड में ये हमारा डिनर का पार्सल आ गया है जो हमने ऑर्डर किया था। तो वेजिटेबल फ्राइड राइस आ गए हैं, तो देखते हैं कैसे हैं ये राइस। ओपन करते हैं अपने पार्सल को और डिनर करते हैं। Mother, how is this food? Taste or no? Good, yeah. Good? Feel good? Yeah, taste okay. Good. That's good. Okay. Indian, Pakistani, Arabic food. Taste. Arabic taste. Nice. Nice tasting? Okay. Let's go for test. तो गर्मा गर्म फ्रेश फ्राइड राइस हैं, मैंने दो नवाले लगाए हैं, इंतहाई मज़ेदार। चाची ने देखे मेरे को मोबाइल चलाना पड़ रहा है, क्या हाल है। टेस्ट दिस फूड, दिस फ्राइड राइस, बेजी रोड फ्राइड राइस। This is a fried rice, a vegetable fried rice, having mixing corn sweet. तो खाना हो गया अपना और अभी टी टाइम है। तो मेरे को व्लॉगर दोस्त आसिम भाई कार्डमम टी लाए हैं, इलायची वाली, और चेक करते हैं इलायची वाली चाय का जायका कैसा है। तो खाना उसी 2 दिनार के कूपन में हो गया जो टिकट लेने के टाइम हमें उन्होंने दिया था, तो उसी 2 दिनार के कूपन से हम लोगों ने वेजिटेबल फ्राइड राइस ले लिए और चाय हमने अलग से ली है। तो यहाँ पे 500 फिल्स की चाय है, यानी हाफ बहरीनी दिनार की, तो कप का थोड़ा बड़ा साइज़ है। अच्छा चाय कप, मिल्क भी ठीक है, सब ठीक है। इलायची वाली चाय मज़ेदार, अलदार आइलैंड किंगडम ऑफ बहरीन में। यहाँ पर तो खाना पीना ख़त्म करके रेस्टोरेंट से बाहर निकले हैं, हर तरफ लाइट्स जल रही हैं, तो देखते हैं समुंदर का कुछ नज़ारा किनारे का कैसा दिख रहा है रात के वक्त।
हर तरफ लाइट्स जल रही हैं, तो देखते हैं। रात के टाइम में तो वीडियो कुछ इतनी ज़्यादा नहीं आएगी ख़ास हिस्से। तो जी, अलदार आइलैंड से वापसी हो रही है, तो हमें यहाँ पर स्टाफ ने आवाज़ दी है, हम रेडी बैठे थे, उसने बताया बोट वाले हमारा वेट कर रहे हैं। तो चलें जी, अब यहाँ 8:15 हो गए हैं रात के और 8:30 बजे 8:30 पे लास्ट बोट है, चलते अपनी बोट की तरफ। ऑलरेडी कॉल आ गई हमारे लिए। ले जी आ गए बोट में वापस, हम ही दो लोग हैं, मैं और मेरे दोस्त आसिम, वापस जाने के लिए। तो लाइफ जैकेट पहनते हैं, तैयारी करते हैं। ले जी पहुंच गए हैं, तकरीबन 10 मिनट भी नहीं लगे, काफ़ी स्पीड से आए हैं, रात का टाइम था और बड़े आराम से पहुंच गए हैं। तो जहां से हम चले थे आज आफ्टरनून में, वहीं पे पहुंच गए हैं वापस। चले जी निकलते हैं बोट से बाहर और वापस पार्किंग की तरफ चलते हैं। अमेजिंग जर्नी, टाइम विल बी बिजी सेकंड टाइम। थैंक यू बाय। तो यहाँ से मिनी बस में बैठेंगे गाड़ी में और ये हमें पहुँचाएगी मेन पार्किंग में, जहाँ पे हमने अपनी कार खड़ी की हुई है और वहीं से हमने टिकट ली थी। तो चलते हैं गाड़ी की तरफ।
अपना अलदार आइलैंड का ये ट्रिप कंप्लीट करके हम लोग वापस आ गए हैं। अलदार आइलैंड एक छोटा सा और बहुत खूबसूरत सा जजीरा बना हुआ है, जहाँ पर रेस्टोरेंट और दूसरी सारी वाटर एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स हैं सारी। और इंजन बोट से हम वापस निकले हैं, फिर मिनी बस में बैठे हैं। मिनी बस ने थोड़े फासले पर हमें टिकटिंग प्लेस पे पहुंचा दिया, जहाँ से हमने टिकट्स ली थी। और वहाँ से निकलकर हम अब साथ ही मेन पार्किंग है फिशरमैन पोर्ट की, जहाँ से आज सुबह हम अपनी गाड़ी पार्क करके रवाना हुए थे अलदार आइलैंड के लिए। और यहाँ से हम अपनी गाड़ी उठाएंगे और वापस निकलते हैं। गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट बेल आइकॉन।